इस एनिमे सीरीज से मुझे गॉड ऑफ वॉर गेम की याद आ गई, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें दिखाई गई जैसे कलर हो गया, जो इसके अंदर फाइटिंग सीन हो गया, वो सेम टू सेम गॉड ऑफ वॉर गेम जैसा ही था। ऑब्वियसली हो क्यों ना, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर अगर आपने खेली हो तो उसके अंदर भी ज्यूस, हरक्यूलिस ये सब चीजें वहां पर आई हुई है, और सेम टू सेम इस सीरीज के अंदर भी आप लोगों को देखने मिलेगा। और जब ये सीरीज देख रहे होगे तो एक तरीके से आपको लगेगा कहीं ना कहीं गेम चल रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लड ऑफ ज्यूस, एक एनिमे सीरीज के बारे में जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। देखो, आपने कभी हरक्यूलिस का नाम सुना ही होगा, जो आधा देवता आधा इंसान है। आधा देवता होने के पास इसके पास पावर होती है, और कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस सीरीज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें एक हैरन नाम का एक लड़का होता है, जो ज्यूस का बेटा होता है। और जब इस एनिमे सीरीज का ट्रेलर आया था तो मैंने इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, क्योंकि इसके अंदर जो फाइटिंग सीन दिखाए गए थे वो कमाल के थे, और मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि यार हाँ यार, जब ये सीरीज आएगी तो इसको डेफिनेटली देखूं ही देखूंगा। और मैंने और बाकी जो भी एनिमे सीरीज देख रहा था उन सबको छोड़कर मैं सबसे पहले इस एनिमे सीरीज को देखने गया हूं। तब इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, वैसे मैं देता भी नहीं हूं। देवताओं की लड़ाई होती है, जो लास्ट टाइटन होता है उससे, जब उस लास्ट टाइटन को जब वो देवता जब हरा देते हैं तो उसके खून जो है वो समुद्र में मिलकर उससे बड़े बड़े दानव होते हैं। फिर देवता जो है इन दानवों से लड़ते हैं, बहुत विशाल का दानव पैदा होते हैं, और इन दानवों को हराने के बाद इनकी आत्मा को एक बॉक्स के अंदर कैद करने के बाद, अब मुझे उस बॉक्स का नाम याद नहीं आ रहा, उस बॉक्स में कैद करने के बाद इन दानवों की जो लाश बच जाती है उसको समुद्र में कहीं पर छुपा देते हैं। अब ऐसा थोड़ा होता है कि अब वो लाश कभी किसी को मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली मिलेगा। ट्विस्ट आता है, ये जो लाश है, एक दानव की जो लाश है, वो तैरते तैरते किनारे पे पहुंचती है और वो किसी इंसान के हाथ में लग जाती है। और जैसे ही इंसान इस दानव की लाश को छूता है, वो डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके पास पावर आ जाती है। अब वो उसके दिमाग के थॉट प्रोसेस अलग हो जाते हैं, वो गलत चीजें सोचने लग जाता है, और एक तरीके से देवताओं की पूजा करना बंद कर देता है। एक अपना ही एक साम्राज्य स्थापित करने की वहां पर उसके अंदर मंशा होने लगती है, और वो लोगों को इकट्ठा करता है वहां पे, डीमन उनको कन्वर्ट करता है, वो देव उस जो लाश होती है उसका मांस खिलाकर उनको डीमन के अंदर कन्वर्ट कराने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे करते करते एक तरीके से अपनी एक छोटी सी फौज तैयार हो जाती है यहाँ पे डीमन्स की, और अब ये डीमन्स जो है वो ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर हो गए, तो यहाँ पर धरती के ऊपर डीमन वर्सेस ह्यूमन की एक जंग होने के कगार तैयार हो जाते हैं। और इधर हैरन की बात करें तो हैरन अपनी माँ के साथ अकेला रह रहा है, उसको कोई समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सबको लगता है कि एक नाजायज औलाद है, तब इससे सबके सब दूरी बना के रखते हैं इसकी माँ को। अब मतलब बहुत गलत तरीके से इसमें बोलता हुआ दिखाया गया है, बट हैरन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, और उसकी किस्मत इन डीमन्स के विरुद्ध उसको लाकर खड़ा कर देती है। अब देखने वाली बात यह है कि हैरन जो है वो इन सब से कैसे छुटकारा पाता है, कैसे अपनी पावर्स के बारे में पता लगाता है, कैसे इसका पिता इसकी हेल्प करता है, या फिर और सब चीजें जो इसकी लाइफ में होने वाली हैं, ये सब चीजों के लिए तो देखो आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ी। अब टेंशन ना लो कि कहीं सोचोगे यार तुमने इतनी कहानी बता दी, तुमने तो स्पॉइलर दे दिया। ना 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 ना, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज की 1 या 2 मिनट की ही कहानी आप लोगों को बताई है। जो नहीं बताना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं बताया, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट इस सीरीज के अंदर बन सके। खैर, मैंने कोशिश तो इसलिए की है कि यार देखो, आपका जब ये रिव्यू आप देखो और आपका मन करे कि जाकर ये सीरीज देखें। खैर, जब मैंने इस सीरीज को खत्म किया तो मुझे एक शख्स से काफी ज्यादा निराशा हुई, जिससे ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो यार उस इंसान ने उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और वो इंसान है हैरन। यार देखो, हैरन से मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें की थी कि यार इस इंसान को अपने टाइम रहते अपनी पावर्स याद आएंगे। देखो, मैं कोई स्पॉइलर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आप लोगों वो चीजें नहीं बताऊं, बस अपनी नाराजगी बता रहा हूं इस हैरन नाम के इस कैरेक्टर से। भाई यार, इस इंसान को समझना चाहिए था। खैर, जब इसके पिता इसके लिए तलवार बना के जाते हैं और वो इस तलवार को ही फेंक देता है, अरे पागल हो गया यार, अपनी बुद्धि का यूज करो, उस तलवार को फेंकने की क्या जरूरत थी, वो तलवार तो कम से कम रख लेते। और इस सीरीज के अंदर इंटरेस्ट तो और ज्यादा बढ़ जाता है, जो ज्यूस की जो वाइफ है हैरा, जो वो इसके विरुद्ध ज्यूस के विरुद्ध आ जाती है। और यार देखो यार, एक औरत अपने ही पति के खिलाफ आ जाना, यार इतनी जबरदस्त इसके अंदर दिखाई गई, उससे सब डरते हैं। अब जो चीज उसने की, जिस लेवल पे वो चली गई, वो वैसे वो मारना तो चाहती थी कि जो हैरन है उसकी माँ को और हैरन को, उन दोनों को मारना चाहती थी, बट ज्यूस ने उसको कहीं ना कहीं छुपा रखा था। बट कब तक छुपाता है एक इंसान, एक ना एक दिन तो पता ही चलता है ना कि ये जो हैरन है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। और जब इसको चीज को पता चल जाती है हैरा को, तो भाई साहब बवाल मच जाता है। देखो, ये सीरीज कितनी अच्छी है, मैं अपनी बातों से आप लोगों को ये शायद क्लियर ना करवा पाऊँ, ये आप जब जाके देखोगे, आप खुद महसूस करोगे, तो आपको पता लगा वाकई में ये डिजर्व करती है देखना। अब एनिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके एनिमेशन दिखाई गई वो भी कमाल की, और जिसके अंदर फाइटिंग सीन है यार, उसने तो यार दिल्ली जीत लिया। एक टाइम ऐसा आता जब इसमें फाइटिंग सीन चल रहे थे, मैं ऐसे बच्चों की तरह मुंह खोल के उसको देख रहा था, मैं यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो इसका साउंड ट्रैक दिखाया गया, बैकग्राउंड में जो साउंड चला,
बैकग्राउंड साउंड प्लस में जो फाइटिंग सीन चले यार, वो एक तरीके से तुम समझ लो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई यहाँ थी। अब चाहिए देखो, एक एनिमे सीरीज हो चाहिए एक एक्शन लाइव सीरीज हो, अब इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम प्रिडिक्ट ही ना कर पाए कि आने वाली चीज आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या जब आगे सीरीज बढ़ेगी तो उसमें क्या होने वाला है। ये सबसे अच्छी चीज होती है, जो हमने सोचा होता है वैसा उसके विपरीत हो जाए तो यार कमाल ही कर देती है। और कुछ ऐसा ही इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा जो मैंने नहीं सोचा था यार, वो इस चीज के अंदर इस सीरीज के अंदर हो जाता है। अब मैं बताने तो नहीं वाला हूँ कि क्या होता है, बट तुम जो सोच रहे हो इसकी एंडिंग में, जो सोच रहे हो कि यार ये सब चीजें होंगी एटलीस्ट यहां पर, जो इसे फाइटिंग फ्यूटिंग जो आप सोच रहे होगी लड़ाई होगी और यहां पर ये सब चीजें हो जाएंगी, यार मैं डैम श्योर हूं कि जो आप सोच रहे हो वो बहुत ज्यादा इसके अंदर विपरीत होने वाला है। सिर्फ इसके कुछ लास्ट के एपिसोड्स ने सच यार दिल जीत लिया था मेरा। मैं यार कमाल की एंडिंग के साथ ये सीरीज तो डिजर्व करती है यार देखना। अब देखो यार, कई सोचेंगे यार क्या हिंदी में मिलेगी या इंग्लिश में, देखो आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगी। और जब हिंदी की बात होगी तो देख बात कर लेते हैं इसकी डबिंग की, हिंदी में इसकी डबिंग कैसी। काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी हिंदी डबिंग, कोई भी फालतू के कोई डायलॉग इसके अंदर देखने को या सुनने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर किसी ने ये सीरीज देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, अगर आप लोगों को गॉड ऑफ वॉर गेम पसंद थी तो डेफिनेटली आप लोगों को ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। देखो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई जब इसको देख रहा था अपने बचपन में, जब मैं गॉड ऑफ वॉर PlayStation 2 पर खेला करता था तो मुझे उस टाइम की याद आ गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।